हसन शेरियार यासीन हमारे साथ ही तशरीफ रखते हैं, मगर उनके साथ जो तशरीफ रखते हैं उनके बारे में बताती चलूं, हमेशा सच का साथ देते हैं, सच बोलते हैं, किसी से डरते नहीं है, ना किसी की धमकी से, ना किसी की बात से, बहुत अच्छा बोलते हैं, सुनने का बड़ा दिल करता है, स्टाइल बहुत अच्छा है और हमेशा कोई गहरी बात और नई बात करके हमारे प्रोग्राम से जाते हैं। तो आज हमने फिर दावत दी है, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं पीजे मीर साहब। यहाँ पर जितनी भी मेरी दोस्तें मुझे देख रही हैं, खास कमेटी पार्टी वीक हमने सेलिब्रेट किया था यहाँ पर, बहुत सारी एंकर्स लाइक 8 एंकर्स यहाँ पे पूरे इस प्लेटफॉर्म में मेरे इस मॉर्निंग शो को होस्ट कर रही थी। आज मेरे साथ उसी प्रोग्राम से एक एंकर, मेरी बड़ी प्यारी सी दोस्त यहाँ पे तशरीफ रखती हैं, डॉक्टर नबीहा बुखारी, है ना? एक सेकंड, नहीं बोला नहीं, डॉक्टर नबीहा रहमान। और इतना मैं कुछ भी हो जाए मैं इनको हमेशा बुखारी के नाम से जरूर ऐड करती हूँ, चिढ़ती भी है, नाराज भी होती है। अब पूरा कमेटी पार्टी वीक में भी जो है ना मैं इनको बुखारी ऐड किया था, और इनकी जो ये लाफ्टर है ना आपको कहीं नहीं देखने को मिल रही थी, तो इसलिए डॉक्टर नबीहा रहमान हमारे साथ तशरीफ रखती है। हंसना था ऐसे मुझे लगता है सकती थी कि मैं ऐसे बुखारी नहीं बोलूंगी, तो मुझे लगता है कि बुखारी नाम से कोई एसोसिएशन है आपकी। असल में जो मोबाइल पे मुझे फीड करके दिया था ना, अच्छा, हमारी गहरी दोस्त ने, अच्छा, उसने बुखारी लिख दिया, अच्छा, था वो मुझे कभी ना भूला ना भूल। चलो आप मुझे जो भी कहो, आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माय फ्रेंड। नहीं, यू आर डॉक्टर नबीहा रहमान, ऑफ कोर्स, थैंक यू। आपकी मियाँ जी यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, तो पहले मैं इनके बारे में बताती चलूँ कि प्लास्टिक सर्जन है माशाल्लाह से, स्किन सर्जन है, और यूके से आपने अपनी सारी ट्रेनिंग वगैरह, अपनी तालीम वगैरह जो है वो हासिल की, और लोगों को भी खूबसूरत बनाने का फ़न इनके हाथ में बड़ा है जी। साथ साथ तशरीफ रखते हैं उनके मियाँ साहब, उनके घर वाले जी, और घर वाले जी जो है वो है प्रोफेसर डॉक्टर मज़र रहमान साहब, हार्ट सर्जन है, और इन्होंने भी ट्रेनिंग जो है अपनी इंग्लैंड से हासिल करी। थैंक यू फॉर कमिंग। दिल के डॉक्टर है आप, जिनको भी लेकर आए आपको मिलवाते हैं, है ना? हमारी मुलाकात नहीं हुई ना पहले? नहीं, मेरी मुलाकात हुई थी बस जब, अच्छा, आप अपनी गाड़ी में बैठी होती तब, और जब मैं अपनी गाड़ी में उठ के बाहर गर्ली पार्टीज में, हाँ बस इस तरह से कमेटी पार्टीज वगैरह में, हाँ, मुलाकात हुई। मगर सलाम दुआ, आज बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ लेकर आए और सब लोगों के साथ आप बैठ कर यहाँ पे। आई थॉट आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा, बहुत शाय होंगे। नहीं शायद तो, अच्छा कॉन्फिडेंस की अगर जैसे बात हो रही है, तो यहाँ पर ये दो पर्सनालिटीज ऐसी बैठी हैं कि एक तो जैसे मैंने बताया कि खूबसूरत बनाते हैं लिबास के जरिए लोगों को, और एक कॉन्फिडेंस दे देते हैं, चाहे लड़की जैसी भी हो, अगर हाइट छोटी है या हाइट ओवर लंबी है मेरी तरह, तो इनके कपड़े पहनने के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। उनके साथ मसला ये कि बंदा कॉन्फिडेंस खो बैठता है, वो इतने सच बोलते हैं, वो इतने सच बोलते हैं, बंदा अपनी आवाज़ खो बैठता है। ये क्या मसला है जी आपकी सच्चाई का? हर जगह जहाँ बता दिया जाए ना कि पीजे मीर जी आ रहे हैं या पीजे मीर जी वहाँ पे हमने देखे, तो सच्चाई को हजम क्यों नहीं कर पाती दुनिया? क्या क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ अगर आप किसी चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं या हजम करते हैं वो सच्चाई है। झूठ को आप हजम नहीं कर सकते, और झूठ आपके साथ रहता है, आप एक बोलेंगे उसके बाद आपको 3 और जस्टिफाई करने पड़ते हैं, हाँ। तो बेस्ट है सच बोलो, सच बोलेंगे और सच निकलेगा, सबका फायदा है इसमें। ट्रू। अच्छा जबकि शेर और झूठ लगता बड़े मजे का है, मगर फायदा वायदा इससे कुछ मिलता मिलता नहीं, मगर मजे का लगता है। मैं इसमें बड़ा बिलीव करता हूँ कि झूठ जो है ना, इट जस्ट बिगेट्स अनदर झूठ। जब आप झूठ बोलते हैं उसको कवर अप करने के लिए छोटा झूठ भी जो है वो इतना बड़ा झूठ बन जाता है कि उसका कोई फायदा नहीं है। I think सच बोलने तो आपकी जिंदगी अपनी बड़ी आसान हो जाती है। जहाँ पे भी हैं बता दें हम इधर हैं, झूठ हम इधर नहीं है, हम तो यूके बैठे हुए, हम तो वहाँ बैठे, मोबाइल बंद कर दिया, फोन नहीं उठाना, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बात भी जिसमें झूठ का इस्तेमाल हो रहा होता है। लेकिन एक चीज मैं आपको, आप सच बोलती हैं, आप पूछे क्यों, कैसे क्यों? आपने इनका इंट्रोडक्शन कराया, नबीहा बुखारी, ठीक है ना? अब बुखारी देखें, बुखारी वही हो सकता है जो बुखार ठीक करता है, जो बुखार है डॉक्टर है। असल में उस बुखारी से मुझे शक पड़ गया। मुझे अपने नाम पे शक पड़ गया। आप रहमान रहे ये बुखारी? नहीं, हम तो रहमान के कहीं भी करीब रहेंगे। वैसे मैं बुखार नहीं उतारती बल्कि बुखार देती हूँ लोगों को। व्हेन वाला फीस का जिक्र नहीं कर रहे, हेलो, दैट्स व्हाट पीपल थिंक। लेकिन मैं आपकी वैसे बात का सेकंड करूंगी, फिर कि जैसे आपने कहा कि वी शुड केटर एवरी क्लास, यू नो, अगर हम सिर्फ नीश को पॉइंट आउट करेंगे या उसको टारगेट करेंगे, दैट इज़ अ वेरी स्मॉल क्लास। सो
एटलीस्ट आई ट्राई माई बेस्ट टू केटर एवरीबडी एंड आई एम वेरी फ्लेक्सिबल. वैसे आपको पता है कॉस्मेटिक सर्जरी पीपल थिंक इट्स वेरी एक्सपेंसिव, वी कांट अफोर्ड इट, बट आई थिंक इट इज अफोर्डेबल, इट कैन, वी कैन मेक इट अफोर्डेबल. जी हर चीज अफोर्डेबल है अगर आप अपने आप को मैनेज सही करें. इट इज जस्ट यू नो मैन मैनेजमेंट एंड सेल्फ मैनेजमेंट. यू डोंट हैव टू गो बियॉन्ड अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ अ रियल, यू जस्ट स्टे. और आप देखोगे कि जहाँ आप मैनेजमेंट अपने आप को करोगे आप हर एक को मैनेज करोगे. आप आफ्टर ऑल आप एक हाउस वाइफ हैं, आप एक घर को मैनेज करते हैं. डॉक्टर साहब एक डॉक्टर साहब इज अ डॉक्टर, ये अपने प्रोफेशन को मैनेज करते हैं. सो हर एक का एक डोमेन है जिसको आपने मैनेज करना है. अखलाकी जिम्मेदारी भी आई थिंक एज ए ह्यूमन बीइंग के आप लोगों को अकोमोडेट करें. देखिए ना सबसे अच्छी बात है कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, आपके लिए खुद आसानियाँ पैदा होंगी. True, बिल्कुल, कोई मुश्किल बात नहीं है. किसी को जस्ट पुट योर सेल्फ इन समबडी शूज तो आप रियलाइज करेंगे वो जो हमारे और आप से शोभा जाता है, पता चल जाता है कि भाई आप अपने आप को इतना शो ऑफ ना करें, अपने जो आप को इतना दिखाएं. मेरे पास लोग औकात में भी आके देखें कि उसकी क्या वैल्यू. लेकिन मैं जिस शोबे से मेरा ताल्लुक है अल्लाह ताला ने मुझे जिम्मेदारी जो दी है लोगों के दिल के ऑपरेशन करने का, तो मैं तो किसी को ना कर नहीं सकता. जी बिल्कुल. आई डोंट हैव द एवर even power to say no to someone who even does not afford. But you also have the power to save lives. Yes, alhamdulillah. Which is a beautiful power. Alhamdulillah. No, because you save one life as you saved life of all human beings. Absolutely. This is a great blessing on our profession. आपके पास कितने workers काम कर रहे हैं? मैं जी workers तो बहुत ज़्यादा हैं और आते रहते हैं, मगर हमारे पास जो worker आता है वो जाता नहीं है. बड़ी बात है. जब से हमने 12 साल से शुरू किया मुझे आज तक कोई हमारा कोई worker गया नहीं. तब से अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से जो आया वो आया है और हमारे पास ही रहा है. इसके अलावा इस ना सिर्फ इसलिए कि काम को आई गेस वो शायद खुश हों, मैं जैसा आपको कहा एजुकेशन के मैं जो आपको कह रहा था, हमारे हमें कोशिश होती है कि हमारे पास जो भी काम करे उसके बच्चे की एजुकेशन जो जितने मर्जी बच्चे हों उसका खर्चा मेरी वालदा उठाती हैं. बिकॉज अम्मी एजुकेशन में मैं आपको बता रहा था वो बड़ा जरूरी है. उसकी वजह से यू नो व्हेन द न्यू बैच ग्रेजुएट्स इट गिव्स अस रियल होप दैट इट इज बिकॉज ऑफ आवर फैमिली सिस्टम दैट वो आगे बढ़ रहे हैं. तो वर्कर्स और आते रहते हैं और हमारे पास मैं देखता हूँ हर साल हमारे पास अल्लाह का शुक्र है और वर्कर्स आते हैं. टीम बढ़ती जाती है. मगर मजा मुझे इसलिए आता है कि मैं बोर बहुत जल्दी हो जाता हूँ. मैं आपको बताऊँ मैं ज्यादा सोशलाइज लोग समझते हैं बहुत सोशल, मैं सोशल हूँ नहीं, मैं काम में बहुत खुश रहता हूँ. एक छोटा सा वक्फा दरकार है, छोटा सा वक्फा. विल बी राइट बैक. अखां
चोहन जुड़ले दिल देवी बुए खुले आ जा चन माया अखा चोहन जुड़ले दिल देवी बुए खुले आ जावे आ जा चन चोहन जुड़ले जबरदस्त 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 हमारे साथ नाज़रीन हाज़रीन में यहाँ पर ज्वाइन किया है शेर मियां दाद साहब ने एक बहुत बड़ा नाम कवाली में एक अपना मुकाम रखते हैं नुसरत फतेह अली खान साहब के कज़न भी हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका आर्टिस्ट ऑफ द मंथ का एक तो बड़ी अच्छी बात है कि हमेशा ये प्लस को दाद देते हैं हम क्योंकि वो म्यूजिक पे अच्छा काम कर रहे हैं उसके बाद आप हैं भी तो शेर मियां दाद तो इसलिए वो दाद निकलती रहती है बहुत अच्छा प्रोग्राम है बड़ा ही अच्छा उसमें एक तो मौका मिलता है कि वो कलाम जो कि लोगों ने ट्रेडिशनल है जो सुनी जा गया तो उसके जब वो आता है जैसे वो मैंने किया थ्रेशकनी सोन दिंदा चरखा नौलखा कुरे या बबुल्ले शाह का ऐसा कलाम तो जब पढ़ते उसके फिर जब रिस्पांस आता है तो अच्छा लगता है ये प्रोग्राम बहुत ही लवली तशरीफ रखिएगा आपसे और भी बहुत सी बातें होंगी अच्छा आपसे ज़रा मैं यहाँ पे मुतारिफ कराना चाहूँगी सारे लोगों को तशरीफ रखते हैं इरशाद बी अंजुम साहब और उनके साथ तशरीफ रखती हैं नासरा अंजुम जी जो कि उनकी बेगम है उनकी घरवाली है इससे पहले कि मैं आपसे कुछ बात करूँ मैं पहले ज़रा वहाँ जा रही हूँ मुनीरा के पास और मुनीरा से पूछूँगी कि मुनीरा इनकी कोई बात बताओ गुस्से वाले हैं कैसे हैं प्यार वाले हैं कैसा ट्रीट करते हैं आप सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम सर और उसके बाद कि मैं इनकी बारे में ये बताना चाहूँगी कि अगर आज मैं यहाँ पर हूँ तो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम इन्होंने जितना ग्रूम किया मुझे जितना मुझे जिसको मतलब मोटिवेट किया मार्वेलस और सेकंड में कि जितना ये अपने एम्प्लॉय को इनक्रेज करते हैं मोटिवेट करते हैं मैं इसके बारे में कुछ मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है आपकी सारी ये जो क्रिएटिविटी है बिल्कुल ये जो सारी आपका सेटअप है सारी चीज़ें जो आप बनाती हैं मज़े मज़े की चीज़ें इसके पीछे इनका कितना हाथ है कितनी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मोटिवेशन क्योंकि आप यकीन करें कि मैंने भी काफ़ी होटल्स पर भी मैंने भी किया लेकिन इनकी ये खासियत है कि ये हर किचन में खुद पर्सनली राउंड करते हैं और खुद पर्सनली सबसे पूछते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई आप बताएं आप यहाँ पे जस्ट यही करेंगे कि आप किससे आगे भी सोचते हैं और जो कहते हैं कि जी आगे जाना है उसको ये बहुत इनकरेज करते हैं बहुत मोटिवेट करते हैं क्या बात है और मैं इनको थैंक्स बोलना चाहूँगी थैंक यू सर आई एम हेयर जस्ट बिकॉज ऑफ यू एंड माई ऑल शेफ्स क्या बात है जी लवली लवली अल्लाह ताला आपको ऐसी और कामयाब करें ਸਾਡਾ ਯਾਰੇ ਵਿਚੰਗਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ
push it a little further. When me push it further, she ball for murder. At that time, me know sex all over. So, oh, Milena. बारे में बताती चलूं कि हजारा की कोयल है ये। आप मेरे ख्याल से तो आप तो बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहते होंगे, है ना? नहीं वैसे आपने पूछा है, बताया नहीं मैंने अभी। नहीं बचपन से नहीं, बस अक्सर यही होता है ना, तो दैट्स व्हाई शी से बचपन से शौक था। वाली साहब को एक्चुअली शौक था डॉक्टर बनने का, ही वाज अ बिजनेसमैन। हां तो वो ये चाहते थे कि मैं बिजनेसमैन नहीं बनूं। हां उनका ये शौक था बेसिकली, जो बाद में मुझे हो गया। अच्छा ठीक। तो बेसिकली क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी, ये शौक जो है बाद में हुआ, ये उनकी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा। उसको मैंने फुलफिल किया। हाँ। लेकिन बाद में ये मुझे खुद शौक हो गया, एंड दिस इज माय पैशन नाउ। वो उनकी आई थिंक जो सोच थी ना, विजन थी, आई गॉट दैट इनहेरिटेड एक्चुअली। जिस पैशन के साथ वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट दैट। अच्छा ये जो मेरी दोस्त है खूबसूरत सी, ये आपकी मोहब्बत के जाल में कब गिरफ्तार हुई? ये कब हुआ कि आपकी ग्रामर सवाल उल्टा भी हो सकता है वैसे। आप सवाल को उल्टा करना चाहिए था, ग्रामेटिकली रॉन्ग क्वेश्चन किया जिसका मैं आंसर नहीं करूंगा। या फिर आपकी डॉक्टरी का शौक यहाँ पर आके पूरा हुआ है कि डॉक्टर से शादी करूंगा? नहीं, वो भी मैं एक्चुअली मेरे वाले सब का शौक था कि डॉक्टर शादी करिए, और मैं इसके बहुत अगेंस्ट था अनटिल आई मेट हर। तो उसके बाद जब मैंने जाकर उनको कहा, तो मेरी अम्मी मुझे आपने कभी खुद भी कुछ डिसाइड किया है? नहीं, डिसाइड करने की बात नहीं, यू हैव एन ओपिनियन कि भाई वो एक डॉक्टर है, बीवी भी डॉक्टर होगी, आप बहुत मसरूफ खान, घर हो जाएगा, बच्चे को लुक आफ्टर करेगा। हाँ। ये आपको ख्याल होता है ना उस वक्त, हर एज की एक अपनी आपकी विजन होती है। तो बच्चों को क्या आपने चाहे कि डॉक्टर बने या फिर अपनी इंजीनियर? नहीं, हमने कोई एक्चुअली उनको कभी फोर्स नहीं किया, अभी तो वो छोटे हैं। बेटी तो बड़ी
रिजेंटमेंट शो करती कहती लेकिन एक मेरे बेटे को है जरूर शो, आई थिंक ही इज इम्प्रेस्ड व्हाट आई डू। आपकी पर्सनल विश क्या है कि क्या करें बच्चे? आई थिंक मेरा ख्याल है कि बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए, right. उनके टैलेंट को समझना चाहिए कि उनके अंदर क्या टैलेंट है। बिल्कुल, मेरी बेटी जो है माशाल्लाह शी इज मोर आर्टिस्टिक, उसको आर्टिस्टिक है, तो आर्टिस्टिक लोगों को भी डॉक्टर बनना चाहिए। बिल्कुल, माठे लोगों को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? ठीक है, आर्टिस्टिक लोगों को भी, क्रिएटिव लोगों को भी डॉक्टर या किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहिए। इट हेल्प्स यू लाइक हर, आई मीन शी इज एन आर्टिस्टिक व्हाट शी डज, और किसी भी शो में अगर आप आर्टिस्टिक आपकी सोच हो तो बहुत हेल्प करती है आपके आउटकम के अंदर। दिस इज हाउ आई फील, इसलिए आई डोंट फोर्स माय चिल्ड्रन। यू डोंट फोर्स। अच्छा पीजी जी, आप भी जरा इस बात के बारे में मुझे बताइएगा कि नॉर्मली जैसे डॉक्टर्स जो होते हैं, आपके भी फ्रेंड सर्कल में काफ़ी ऐसे लोग होंगे, जैसे आपकी यूसुफ सलाउद्दीन जी से भी बड़ी दोस्ती है, और हवेली में भी जो फिर कुर्बानियाँ वगैरह होती हैं वो भी एक बड़े ट्रेडिशन आप देखते हैं, वहाँ जाके बड़ा जश्न शोर वगुल्ला। और अब ऐसे भी आपके कुछ दोस्त हैं जो डॉक्टर्स हैं और जर्नलिस्ट हैं ख़ास, क्योंकि आप भी जर्नलिस्ट हैं, तो इन लोगों के बारे में सोचा जाता है कि बड़े सीरियस लोग हैं, शोर और मजाक और हल्ला गुल्ला इनकी लाइफ से बिल्कुल हट के, लाइफ इतनी इंटरटेनिंग नहीं होती है आप लोगों की, लोग जैसे हम लोग सोचते हैं सुबह सुबह 10 अखबार पढ़ना, न्यूज़ चैनल देखना, सारे के सारे बैठ के पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन रखना, तो कभी आउटिंग इंटरटेनमेंट आपकी लाइफ में क्या? मगर इसका जवाब हम छोटे से वक्फे के बाद लेंगे। ब्रेक से पहले हमने यहाँ पे पीजे मीर साहब से एक सवाल किया था, तो उसका जवाब हम जरा लेते हैं जी। देखें, इंसान कहीं भी हो, किसी प्रोफेशन में होता है, उसके एक लाइटर साइड जरूर होती है। True. और हर एक की ख्वाहिश होती है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ख्वाहिश हमेशा होती है, और आज मैं कहूँगा कि आपके प्रोग्राम ऑनेस्टली आज मेरी एक ख्वाहिश थी। मैंने काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ किए, बातचीत हुई, ये बात कर रहे थे कि कौन किसके जाल में फंसा। देखिए बाद में सब फंस जाते हैं। मैं आपको बताऊँ, एक दफ़ा शेरों की शादी हो रही थी, तो शेरों की शादी हो रही तो उन्होंने को गेंडा शेंडा मारा, तो खा रहे थे, गर्मी थी सख्त, तो शेर रेस्ट कर रहे हैं, गेंडा पड़ा हुआ है। अब शेर सो रहे हैं तो देखा कि एक चूहा बीच में से निकल के आ गया। अच्छा, वो खाने लग पड़ा। एक शेर की आंख खुली, उसने कहा कि ओए तुम्हें पता तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये शेरों की शादी है। उसने कहा ओए शेरा आराम से बैठ, शादी से पहले मैं भी शेर था। शादी से पहले मैं भी शेर था। तो लाइटर साइड हर जगह होती है, यू नो दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। वो कहते हैं कि जब तक आप पे खुद तंकीद और यू नो आप पे लोग हंसे नहीं, तो देन यू नो यू नॉट अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। अच्छा भाभी जी, अगर आप इजाजत दें यहाँ पे मुझे, तो एक बड़ा खूबसूरत गाना, यहाँ पे खास साहब बैठे हैं, शेर मियां दाद साहब, एक अच्छा सा गाना जरा भाभी जी की फरमाइश पर हम सारे आपके साथ यहाँ पे एंजॉय करेंगे। आइए जी, खास साहब का गाना।
जिसने मेरा यार पुराना था दिल टूट गया अभी इकट्ठा हुए हैं तो इस पकवान के लिए ही ज़्यादा इकट्ठा हुए क्योंकि यहाँ पर ये स्पेशल रेसिपीज़ जो तैयार हुई हैं ख़ास क्योंकि मुनीरा ने इतनी मज़े की ये रेसिपीज़ बनाई हैं। तो अब ज़रा अंजुम साहब ओवर टू यू, आप पूछिए अब बताइए। डॉक्टर साहब मैं ये बताऊँ, देखें आजकल लेडीज़ भी इस फील्ड में आ गई हैं, कितने अच्छे से खाने तैयार किए हैं। बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट पहले ये समझा जाता था कि शेफ़ किसी होटल की या किसी बड़े जगह की फीमेल नहीं हो सकती, बट ये तो प्रूव कर दिया मुनीरा ने। होटलों में देखे उसमें कम से कम 15% लड़कियां वो किचन का काम सीख रही हैं। इतने शौक से लड़कियां आ रही हैं किचन काम सीखने के लिए एंड दे लव इट। आज एक फ्रूट चाट बनाई है, एक दिन चिकन बनाया है, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा है। गोश्त नहीं दिख रहा। अच्छा वो छुपा के रखा हुआ है आपने। तो रेसिपी बताइए मसाला शाम की क्या कितना लगेगी बनाने में भाई? तकरीबन 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे और वेट करना पड़ेगा हमें? नहीं ये बिल्कुल रेडी 2 घंटे से पक रहा है। इसकी रेसिपी बताओ। इसकी रेसिपी इसको मैंने जैसे कि सब बनते हैं घर में ग्रेवी पहले बनती है मसाले को, आप इसको प्याज थोड़ा सा ब्राउन करें, इसमें अदरक और जिंजर की पेस्ट डालें, साथ हरी मिर्च की पेस्ट डालें, फिर टमाटर डालें, उसके बाद आप इसमें नमक मिर्च और हल्दी और धाड़ा मिर्च डाल के इसको अच्छी तरह भूलें। उसके बाद जब देखेंगे मसाला सब बन गया, फिर आपने चांपे डाली और साथ में आपने दही डाली और दही के अंदर ही अपने गर्म मसाले को मिक्स करना है और उसके बाद आपने इसको अंदर रख देना है। ऑप्शनल मैंने साथ में साथ फ्रूट चाट बनाई है, समोसे बनाए हैं और बच्चे जहाँ होते हैं उनको पता गोश्त वो खाते नहीं है, साथ उनके ऑप्शनल चिकन के साथ दो अच्छा बनाए। इसका बताया लिया मैदा लिया, मैदे में लेमन जूस डाला, जीरा डाला, धड़ा मिर्च डाली, नमक डाला फ्रेश, उसमें वो डाला धनिया, इसको अच्छे से मिक्स किया है। लेमन से इसका टेस्ट डेवलप होगा। अच्छा। लेमन जब हम डालेंगे सर टेस्ट बिल्कुल चिकन का बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आएगा। और जब हम उसको मिक्स करेंगे उसके बाद हम उसको ठंडा करके फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद चिकन की स्लाइस कट करेंगे, ब्रश पीस ले लें, उसको उस पर थोड़ा डिप करेंगे और हल्का सा फ्राई करने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। इसका नाम क्या चिकन का? चिकन द्वादशा। चिकन द्वादशा वेरी सही वाली पीस की जबरदस्त टेस्ट है। मेरे हिसाब से ट्राई कर ली है। बहुत बहुत टेस्टी है। लोग पसंद करते हैं कि वो हमारे हिसाब में ट्राई दीवाने हैं इसमें। अगर हम बीफ भी डालें तो समोसा। बीफ के लिए आपको मैं लहसुन की रेसिपी बताऊंगी बीफ सैलड के साथ। बीफ की रेसिपी बताऊंगी। अगर इसमें हमने बीफ डालना सपोज चिकन की जगह, तो आप बीफ के चंक्स लें, बीफ बॉइल करें, उसको ढेर सारे ग्रीन सैलड में लाके बीफ के चंक्स डालें, वो बीफ सैलड का आपका बेस्ट बीफ सैलड रेडी हो जाएगा। समोसे की रेसिपी क्या है? तो बहुत समोसे कुछ भी नहीं, आपने मैदा लेना है, मैदा में नमक डालें, ऑयल डालें, जीरा डालें, उसको जिस तरह बेल लें, बेले में उसके स्लाइस करने हैं, आपने छुरी से कट करना है, थोड़ी सी आपने बनानी आलू की पीठी, आलू जैसे घर में बॉइल्ड होते हैं, बॉइल करके नमक मिर्च गरम मिर्च थोड़ा सा जीरा डालें, उसको फिलिंग करें, फिल करने के बाद उसको जस्ट फ्राई। आपके साथ कोई फीमेल स्टूडेंट्स हैं या अकेली हैं? सर बहुत ज्यादा माशाल्लाह। अच्छा। आप तो बहुत ज्यादा आ गई हैं और जैसे कि माशाल्लाह हमारे जीएम साहब इतने 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 सबको इनकरेज करते हैं और इनको मतलब जितना हम इनका थैंकफुल करें कि हमारी कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम हो कुछ भी हो बहुत जल्दी सॉर्टेड होती है और ऐसा कभी कोई मसला, बिल्कुल एक फैमिली इन्वायरमेंट है। और यकीन करें कि जब हमारा महीने का एंड होता है और हम सब वेट करते हैं पूरे महीने के बाद, जैसे कोई ओकेजन आती है हर एम्प्लॉय की बर्थडे पार्टीज आती हैं और इतना हम इंजॉय करते हैं कि बस आई हैव नो वर्ड्स। मुझे मुनीरा एक चीज़ बता दें कि हम सब ये एटलीस्ट सुनना चाहेंगे कि जो हाइजीन है, हाइजीन पे आप कितना ख्याल करते हैं? बहुत ज्यादा हाइजीन के लिए हमारी किचन के अंदर कोई अंदर इंटरनी और ट्रेनी हो कोई एंटर नहीं हो सकता क्योंकि उसकी फर्स्ट ऑफ कॉर्नर में वो पूरा उसका एक सिस्टम लगा हुआ है। आप हाथ धोते हैं, आप अंदर आते हैं, यूज करते हैं जगह जगह ग्लव्स है और कैप्स हैं, पूरे टाइप बाल आपके होते हैं, इस तरह से हमारा है नहीं, इसके लिए बहुत ज्यादा है। और आप होते हैं कि अगर आप हाइजीन के ऊपर नहीं देखेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे आपका कोई फूड क्वालिटी की प्रॉब्लम होगी। और माशाल्लाह इतने बड़े गेस्ट आते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुई। आपने एक चीज़ देखी, इनके मियाँ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, डॉक्टर ने मियाँ जी जो है आप अकेले के लिए खा रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं करके देख रहे पीछे आप एक बंद को देखे इतने मासूम इतने शरीफ ने एक हम बकरे का इंतजार करेंगे जब उसका गोश्त बन जाएगा। पकौड़े समोसे खा रहे हैं, जरा गोश्त का इंतजार करेंगे, जरा बेहतर डिश आएगी तो आपने पूछा भी नहीं है, पकड़ के लेकर आई अपने मियाँ जी को, ये तो बनता है। दोनों मियाँ बीवी साथ खड़े होकर जरा समोसे खाएंगे, समोसे दीजिए भाई आप। और ये खान साहब आप और यहाँ पे पकवान चढ़ाए कैसे हो सकते हैं? और अंजुम साहब आप खुद अपनी बीवी को जाकर ना लेकर आए, भाभी जी को हाथ पकड़ के लेकर आए, इनको वैसे खाने का बड़ा शौक है, आप बड़ी शौकीन हैं। तालियां जी और म्यूजिक खूबसूरत रोमांटिक म्यूजिक बजाइए क्योंकि अंजुम साहब की अपनी बेगम इनका वेट बता रहा है कितना शौक खाने का। लेमन की एडिंग है जिसके उसको आपने मिक्सअप करके आपने जस्ट उसको डिस्प्ले में लगा दिया क्योंकि खाना पकाना मेरे हालांकि हर किसी को आता है लेकिन खाने का सलीका जिसको आ जाना तो वो मेरे हालांकि के उसको सब कुछ आ जाता है। अच्छा ये क्या चीज़ है? ये मैं कॉफी बनाने लगी थी। अच्छा ये कॉफी है, कॉफी हमारे साथ होगी, देर से हमसे वादा था कॉफी, मैं बस बनाने लगी कॉफी का वादा जो लगी थी। जो बात कर रही है ना बड़ी अच्छी बात है, सारी बात आती है मैनेजमेंट की। And I think credit goes to somebody like, you know, Anjum Saab. Bilkul. Because aapne dekhna quality kya hai. But mashallah, being, you know, in Pakistan. He's a vice president. I think, no. He has run the whole thing. He has made Karachi into what it is. He has made, mashallah, Lahore and Islamabad. So I think credit goes to people like him. No doubt. Who can manage. And you know, that's what it is. That's what it is. Isi tarif ke saath, yahan pe hum log sare ghar khare, khare, pire, mazal se, but recipe is rona khatam hai. सुन लिए आप भी अपने घर में उसको ट्राई कीजिए। और एक ब्रेक के लिए आपको भेज रही हूँ, मगर ब्रेक के बाद आपने ये नहीं बोलूंगी कहीं नहीं जाना, मर्जी आपकी, मगर आप जाएंगे नहीं, हम तो कुछ नहीं कह रहे, कहीं नहीं जाने वाले। मैं एक चीज ऐड करूंगा, ये सलाद बड़ा इंपॉर्टेंट होता है खाने के साथ। हाँ जी, जितनी बॉडी में फैट होती है ना, जितनी बॉडी में ग्रीस जाती है, जब आप वेजिटेबल लेते हैं ना, सारा साफ हो जाता है, पेट नीट हो जाते हैं, उसी तरह हम जाते हैं। कहूंगी की बहुत अच्छा टेस्ट है, बट प्रेजेंटेशन इज आल्सो वेरी गुड, दैट आल्सो मैटर्स। ट्रू, प्रेजेंटेशन ही तो इम्पोर्टेंट होती है। और प्रेजेंटेशन की जब बात हो रही है तो एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन आपके सामने होगी। वक्फे के बाद एक अनोखी, एक यूनिक परफॉर्मेंस, तो उसको मिस नहीं कीजिएगा। ये मैं आपको स्पेशली बता रही हूँ और आप लोगों को भी बता रही हूँ, एक ऐसी परफॉर्मेंस, एक ऐसी प्रेजेंटेशन आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से वक्फे की दूरी। वी विल बी राइट बैक। शहर में आ
गोरे मानते दिल कला साजनी तारे गोरे मानते दिल कला साजनी नीन नीन टोर तारी नीन नीन टोर तारी दिल मारा काटनी तारे गोरे मानते खुशांदीद कहेंगे हमारे सबके फिजा के आज इसके प्रोग्राम में, तो सबसे पहले जरा तालियों की गूंज अगर ये तारीफ है आपकी, और यहाँ पे इतने बड़े बड़े सितारे यहाँ पे मौजूद हैं और इन लोगों ने आपकी तारीफ की है। मैं जरा लोगों को बताती चलूँ, हमारे साथ ही जो हमारे भाई हैं कृष्ण लाल साहब, इनका ताल्लुक है हिंदू मज़हब से, रहीम यार खान से ताल्लुक़ रखते हैं, बैनुल अक़वामी परफॉर्मेंस बहुत की हैं और अभी भी करते रहते हैं, पाकिस्तान अकलियत के सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह, नेशनल कल्चर अवार्ड विनर भी हैं और 30 साल से गा रहे हैं। वेलकम। खुदा खुश रखे। ए प्लस टीवी का मैं बहुत धन्यवाद कहूँगा कि पहले भी चलोस्तानी राजस्थानी कलाकारों को बुलाते हैं, प्रोग्राम का नाम ही फिजा है, हमारी मोहतरमा बहन जो है उनका नाम ही फिजा है, तो फिजा एक रहमत होती है, सुख शांत होता है, आनंद ही आनंद होता है। हाय हाय। ये गीत के बोल ये थे कि थारे गोरे मांडे थे जो चेहरा है जी, थारे गोरे मांडे थे तिल काला खाजनी,
नीनी नीनी टोर थारी दिल हमारा काटनी ये कैसे चलाएं पूरे दुल्हन के बारे में ना ये राजस्थान गीत हिंदी भाषा में कह दिया। आपने इतनी खूबसूरत बात कही है तो इस बात के साथ मैं चाहूंगी कि सर भी ढाक लो जब दुल्हन की बात की है तो फिर हम दुल्हन भी बन के जरा आपके सामने रहे। और पीजे मीर साहब आपको जरा मैं यहाँ पे एक इनकी जबान में कष्ट दूंगी और मैं चाहूंगी कि आप हमारे जो ये कृष्ण लाल साहब हैं यहाँ पे इनकी कोई तारीफ में कोई शब्द बोले। इनकी कोई तारीफ नहीं है, इनकी सिर्फ एक ही तारीफ है। देखें मैं अकलियतों में बिलीव नहीं करता हूँ। आप पाकिस्तानी जी और यहाँ सब पाकिस्तानी हैं और आप भाई हैं हमारे। बहुत अच्छी बात। आप हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो हम हैं पाकिस्तानी। तालियां पाकिस्तानी आप हमारे में से हैं और हमें हम आप में से हैं। फ़र्क इतना है कि इंसान मजहबों को ले आते हैं। हमने तो आपके टैलेंट को देखा आज और यू नो कर्ट्सी ऑफ फिजा एंड दिस शो कि आपका ये टैलेंट राजस्थान का जो मैं समझता हूँ कि एक ही सरजमीन थी डिवाइड हुई है पॉलिटिकली लेकिन कल्चर वही है सकाफत वही है हेरिटेज वही है और ये अगर आप बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूँ कि इस खत्ते को क्या बल्कि पूरी दुनिया को आप उस पर आगे लेके जाएंगे कि हम ये हैं। लवली देखो जी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था कि पाकिस्तान में बसने वाले जो भी इंसान हैं वो भाई भाई इंसान हैं और पाकिस्तान हैं। बिल्कुल तो उसी लेकर मैंने जो गीत गाया जो हमारे उस्तादे पुनल खान साहब पुनल मारवाड़ी साहब ये हमारे अलमुजा नमाज है जो लकड़ों के मुँह में डाल कर धुने निकालते हैं। मैंने आज भी इतने दिन तीरथ दास है डॉक्टर रोशन लाल है अजमल दास है वजीर राम है। देखो ये इतना टैलेंट लेके आऊँगा हर किसी का अपना फ़न है लेकिन मेरा फ़न जो है मैं खुद बजाता हूँ खुद बनाता हूँ खुद गाता हूँ और ट्रेनिंग भी देता हूँ। क्या बात है। ये पाकिस्तान में खुदा किसी को मेरी समझ कि पाकिस्तान में वो मिनार्टी लोगों में या हिंदू लोगों में भील कबीले में शायद खुदा ने इतनी रहमत बरसी है जो आपके में ए प्लस में आया हूँ और फिजा में आया। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं इसी बात के साथ में चाहूँगी एक छोटी सी ब्रेक के लिए आपको भेजें और आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बहुत इंजॉय किया आपकी परफॉर्मेंस खास और आपकी पूरी टीम का जिस तरह के आपके एक्सप्रेशन हैं आपके ख़ास तौर पर जिस तरह से मज़े से बजा रहे होते हैं म्यूज़िक के सारे इंस्ट्रूमेंट को आप लोग हमारे पाकिस्तान के लिए भी पाकिस्तान का फ़ख्र बन कर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा वक्फा दरकार है। का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मगर उससे पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि इस पूरे प्रोग्राम का आज जो मकसद और जो मैसेज था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप अपने बचपन की यादों को इकट्ठा रखें अपनी यादों को जोड़ के रखें ख़ासतौर पे बचपन की यादों को जिन यादों से आप खुद जुड़े हुए हैं क्योंकि कुछ भी काम करने से पहले उसके जो मफहूम हैं उसके असल मीनिंग जो है उसको ज़रूर समझने की कोशिश कीजिए। ख़ास ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने काम की मीनिंग्स को समझ लेंगे और समझ के उस पर फिर बात करेंगे तो यकीन कीजिए कि रिजल्ट्स जो है वो आपके सामने बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे आएंगे। थैंक यू भाभी जी। थैंक यू अंजुम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीजे मीर साहब आप तो हैं ही हमारे इस पूरे प्रोग्राम का सितारा। आते तो छा जाते हैं कोई भी बात करते हैं तो गहरी बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस फिजा में सारे वो कहते हैं ना निखर जाते हैं। निखर जाते थैंक यू। और यहाँ पे जो हजारा की कोयल है अब वो हमें एक अच्छा सा गाना यहाँ पे परफॉर्म करके मतलब ज़रा इंटरटेन करेंगे बहुत ज़रूरी है। और आई एम सो सॉरी वो जो गाना आपका मैंने पहले नहीं सुना अब मैं सुनना चाहूँगी। चलो कोई गल नहीं कोई गल नहीं। तो गाना है इनका चलो कोई गल नहीं आपके सामने परफॉर्म किया जा रहा है। ज़रा माइक मुझे आपके लिए तो माइक ही माइक है। I'm not afraid to die.